ओम शांति। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, यह तो आप सबने सुना ही होगा। इसका वास्तविक उदाहरण आज हम आपके सामने इस अनुभव के माध्यम से पेश कर रहे हैं। मेरा नाम विनायक सांगली है, मेरा पूरा परिवार ईश्वरीय ज्ञान में है, मैं भी बचपन से ही ईश्वरीय ज्ञान में चल रहा हूँ। मैं अपने भाई के यहाँ मुंबई आया और इंडिया के सबसे बड़े जौहरी बाजार में मुझे मार्केटिंग संबंधित फील्ड में नौकरी मिली। मेरी ड्यूटी शाम को 7-8 बजे खत्म हो जाती थी। मुझे हफ्ते में एक बार बाहर गांव मार्केटिंग के लिए जाना पड़ता था, तो मुझे कोल्हापुर के लिए निकलना था। न जाने क्यों 2 दिन से मुझे शिव बाबा की बहुत याद आ रही थी। ऑफिस आते जाते, उठते बैठते मन ही मन में बाबा के मधुर गीत बजने लगते थे और बाबा का शांति स्तंभ दिखाई पड़ता था। ऐसा लगता था मानो बाबा की छत्र छाया हर पल मेरे साथ है। हमेशा की तरह उस दिन भी मैं काम निपटा कर सामान पैक करके ऑफिस से नीचे उतरा और जूस की दुकान की ओर जाने लगा। सामने ही जूस की दुकान थी। घड़ी देखी तो 7:45 हो चुके थे। मुझे जल्द से जल्द वहां से जूस लेकर निकलना था, पर अचानक अंदर से संकल्प उत्पन्न हुआ कि आज यहाँ जूस नहीं पीना। मैं 1 मिनट वहां वैसे ही खड़ा रहा और फिर वहां से कुछ दूरी पर आगे जो दूसरी जूस की दुकान थी वहां चला गया। जूस का गिलास जैसे ही मैंने अपने हाथ में लिया, ठीक 7:48 पर एक जोरदार धमाका हुआ और मेरे पास से एक गर्म हवा का झोंका बड़ी तेज रफ्तार से गुजर गया। क्षण भर के लिए मैं स्तब्ध रह गया। ये क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे सामने ही एक आदमी जलकर राख हो गया, उसने वहीं दम तोड़ दिया। मुड़कर देखा तो जहां मैं रोज जूस पीता था उस दुकान के सामने नाश्ते के लिए खड़े सारे लोग जलकर राख हो गए थे। 2-3 गाड़ियां भी ध्वस्त हो गई थी, कईयों के हाथ पैर कट गए थे, किसी के शरीर का आधा हिस्सा ही नहीं था तो कोई खून से लथपथ था। चारों ओर लाशें और भागते हुए लोग, पूरा नजारा ही बदल गया था। मेरी बुद्धि समझ नहीं पा रही थी कि यह सब अचानक क्या हो गया। तभी महसूस हुआ कि बाजू में खरोच की जगह से मुझे दर्द हो रहा है और एक कान से सुनाई नहीं दे रहा है। मुझे लगा कि कोई सिलेंडर फटा है और मैं ऑफिस की तरफ चल पड़ा। 3रे माले पर हमारा ऑफिस था, मैं अंदर बैठ गया। तब मुझे एक सहयोगी के माध्यम से पता लगा कि 3 जगह पर मुंबई में बम रखे गए थे। एक जूस की दुकान के सामने एक छाते में रखा था, दूसरा ओपरा हाउस में नाश्ता गली में रखा था और 3रा दादर में रखा था। यह सुनकर मैं हैरान रह गया। बाहर आकर देखा तो पुलिस और मीडिया वालों ने पूरा एरिया सीलबंद कर दिया था और फायर ब्रिगेड वाले आग बुझा रहे थे। मैं बम विस्फोट से केवल कुछ ही दूरी पर था, मुझे मात्र एक खरोंच आई थी। अब मुझे समझ में आया कि बाबा की इतनी याद क्यों आ रही थी। बाबा लगातार 3 दिन हर पल मेरे साथ छत्र छाया बनकर रहे, यह सब बाबा की ही कमाल है। मैं बाबा को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ क्योंकि बाबा ने मुझे ऐसे बचाया जैसे मक्खन से बाल निकला हो। उस पल का एहसास आज भी हर घड़ी यह गीत बनकर मेरे मन में रहता है। तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। ओम शांति। तो
तेरी।